अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं भुना चिकन ग्रेवी। बहुत ही जबरदस्त घर के हाजिर मसालों से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए यह 1 किलो तक की चर्बी निकाली हुई 2-3 पानी से धोई हुई चिकन, इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर आप चाहें तो कुछ घंटों के लिए रख दें मैरिनेट करने के लिए, या फिर आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, बट मैं ढक कर फ्रिज में रख देती हूँ 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। जब तक मैरिनेट हो रही है यहाँ शॉर्टकट एक मसाला भून लेती हूँ। ये 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा है और 1 छोटा चाय का चम्मच सौंफ, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत वाली और 1 डांडी दालचीनी की बड़ी वाली आप देख सकते हैं, और 6-7 हरी इलायची, 6-7 लौंग और 3 छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके उसे मीडियम या स्लो पर रखें। बार बार चलाते हुए ये जो गरम मसाले हैं इन्हें भून लीजिए। हमें लाल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें बस वहाँ तक पकाना है जब तक इसकी जो खुशबू है ना गरम मसालों की वो निकलने लगे, मतलब खुशबूदार हो जाए, आपको लगे खुशबू निकल रही है तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए, और ठंडा हो जाए तो इस तरीके से मिक्सर जार के अंदर बिना पानी डालकर पीस लीजिए ऐसे, और इस वाले पाउडर का जो हमने मसाला बनाया इसे साइड पर रख दीजिए। सेम वही फ्राई पैन या कढ़ाई जिसमें आपने भूना था गरम मसालों को, उसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए, और जब तेल गरम हो जाए तो हमारी जो चिकन हमने साइड पर रखी है वो सारी मैरिनेशन के साथ डाल दीजिए, और चूल्हा चाहें तो फास्ट पर रखें या मीडियम आंच पर, बार बार चलाते हुए हमारी चिकन को भून लीजिए। तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इसे भूनिए। जब 8-9 मिनट हो जाए तो अब आप चाहें तो ये जो चिकन है इन्हें नितार कर निकाल कर एक प्लेट में साइड पर रख दीजिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ यहाँ चूल्हा कर देती हूँ बंद और ये जो पतीली इसे साइड पर रख के दूसरी पतीली ले रही हूँ, लेकिन आप वही पतीली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस चिकन को प्लेट में नितार कर निकाल लीजिएगा। चूल्हा मैं फास्ट आंच पर चालू कर देती हूँ, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए 1/2 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 1 हरा जो सूखी लाल मिर्च आती है उसे मैंने टुकड़ा करके डाला है, और इसे तरतरा जाने दीजिए तेल में। जब तरतरा जाए तो इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई छूंदा प्याज बारीक कटी हुई, और इसे डालकर फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ऐसे ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। जब ऐसी फ्राई हो जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी डालकर फास्ट आंच पर भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट के कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब भून जाए अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर मैंने 2 टमाटरों को पीस के रखा है, कुछ नहीं सिर्फ पीस के रखा है, वो डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर उसी समय 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, 3/4 छोटा चाय का चम्मच या 1/2 चम्मच नमक डाल दीजिए, और इसे मिक्स कर टमाटरों को थोड़ा सा भून लीजिए। आप चाहें तो मीडियम पर रख सकते हैं या फास्ट पर, मैंने मीडियम किया है आप देख सकते हैं। अब इसे आप भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। भून जाए और तेल छूटने लगे तो यहाँ पर जो मिक्सर जार जिसमें मैंने टमाटर पीसा था उसमें मैं 1/4 कप जितना पानी डालकर चलाकर इसमें डाल देती हूँ, और इसे एक बार चला लेती हूँ और इसे स्लो आंच करके ढक कर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता, तो टमाटर भी भून जाएंगे। चलिए 3-4 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, थोड़ा बहुत टमाटर अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ जो चिकन साइड पर रखी हुई थी वो सारी तेल के साथ ही डाल देती हूँ। अच्छे से सारा निकाल कर डालिएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। हाँ, अब ये डाल दें तो इसे 2-3 मिनट तक मीडियम आँच कर भून लीजिए चिकन को मसाले के अंदर। थोड़ा सा मसाला भी लगेगा तो मज़ा आएगा ना। बार बार चलाते रहिएगा भूनने के टाइम पे। जब भून जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 1/2 कप दही फेटी हुई। ये ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, नॉर्मल है और नॉर्मल टेम्परेचर पे है और फेटी हुई है। इसे भी बार बार चलाते हुए चूल्हा मीडियम पर ही रहने दीजिए और इसे भी भून लीजिए, क्योंकि हमारे ये जो चिकन है उसका नाम ही है भूना चिकन ग्रेवी, तो बस भूनना ही है हमें। तो इसे भी तकरीबन 2-3 मिनट तक बार बार चलाते हुए मीडियम आँच पर भून लीजिए।
जब तेल छूटने लगे तो इसका मतलब अच्छे से भुना गया है। जब तेल छूट जाए तो यहाँ पर वो जो मसाला हमने साइड पर पीस कर रखा था स्टार्ट में, वो डाल दीजिए सारे को, और इसे भी डालकर बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है, चूल्हे को मत टच कीजिएगा और बार बार चलाते रहिएगा। जब 1 मिनट हो जाए भून कर और तेल छूटने लगे तो यहाँ पर मैं 1 कप जितना पानी डाल रही हूँ। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप चाहे तो आधा कप डालें या आप चाहे तो 3/4 कप डालें, और इसे डालकर एक बार चला लीजिए और उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो इसे स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन 15-17 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक आपकी जो चिकन है गल नहीं जाती। अच्छा, चिकन का ये याद रखिएगा, पहले हमने 7-8 मिनट पकाया है, हाँ 14 से 15 मिनट हो चुकी है और मेरी चिकन गल चुकी है क्योंकि बहुत छोटी चिकन थी, और जैसे मैंने कहा स्टार्ट भी 8-9 मिनट हमने फ्राई किया था। चलिए, अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, चूल्हे को कर दीजिए बंद। अच्छा, ये देखिए ग्रेवी आप देख लीजिए, ऐसी भूना है मतलब, तो ग्रेवी थिक ही रहेगी, बट आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा आपसे पानी डल गया और अभी ग्रेवी में पानी ज़्यादा है, तो आप मीडियम आँच या फास्ट आँच करके उसे सुखा लीजिएगा। चलिए, अब हमारी बन चुकी है मज़ेदार सी चिकन भूना मसाला ग्रेवी, मज़ेदार सी। सर्व कीजिए सर्विंग बाउल के अंदर, और आप चाहे तो इसे रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, वहाँ चेक कर लीजिएगा। सर्विंग के टाइम पे भी खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल के सर्व कीजिएगा। ये वाली रेसिपी के अंदर अच्छे से स्पाइस है मतलब प्रॉपरली है, तो अगर आपको कम स्पाइस चाहिए लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार यूज कीजिएगा। और यूज आप जो भी पाउडर करें ना, तो कोशिश कीजिए आप कश्मीरी वाला इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें स्पाइस कम होता है। तो है ना मजेदार आज की रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।